Kashif Tech present, please like and subscribe. सौ बारी जान में कुछ बेवार ना, सौ बारी जान में तेरे कुर्बान मेरी मां। ऑल राइट गाइस, प्रीव्यू वीडियो देख लिया। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एलाइट मोशन ओपन कर लेते हैं। अब जैसे एलाइट मोशन आप ओपन कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको पोजिट पे क्लिक करना है और आपको डिस्क्रिप्शन से बीट मार्क पोजिट को एलाइट मोशन पे इनपुट कर लेना है। इसके बाद आपको बीट मार्क को ओपन करना है। जैसे आप बीट मार्क को ओपन कीजिएगा, इसमें आपको लिरिक्स देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, ये जो लिरिक्स है, इस लिरिक्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्लाइड करना है स्क्रीन को और आपको आ जाना होगा 19 सेकंड पे। 19 सेकंड पे आ जाने के बाद देख पा रहे इसमें आपको बहुत सारा आपको लेयर देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब लेयर में एक एक करके आपको फोटो को ऐड करना। तो फोटो को ऐड करने से पहले आपको फोटो को एडिट कर लेना है। तो फोटो को एडिट करने के लिए आपको बैक आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है और 9x16 रिजोल्यूशन को सेलेक्ट कर लेना है और आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और जिस फोल्डर में आपका इमेज होगा वो फोल्डर को ओपन करके इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो कॉर्नर पे 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और फिर कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करके फोटो को आपको फुल स्क्रीन साइज पे एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम पीएनजी पे क्लिक करके फोटो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करके क्लोज आ जाना है। तो गाइज, आपको इसी प्रकार से टोटल आपको 21 इमेज को एडिट कर लेना है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। इसके बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक कर लेना है। आप सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक करने के बाद जिस भी फोल्डर में आपका इमेज रहेगा वो फोल्डर को ओपन करके फोटो को सेलेक्ट करना है। फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद प्लस पे क्लिक कर लेना है, फर्स्ट वाला फोटो आपका स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको 20 सेकंड पे आना है और देख पा रहे इसमें आपको दो आपको लेयर देखने के लिए मिलेगा। तो प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को सेलेक्ट करना है, दोबारा आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको कॉपी लेयर कर लेना है। इसके बाद आपको फोटो का लेयर को डिलीट कर देना है और फोटो का लेयर डिलीट हो जाने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे तरफ स्क्रॉल कर लेना है। ये जो दो लेयर है, ये दोनों लेयर को आपको फिंगर की मदद से प्रेस कर लेना है। इसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। एक एक करके आपको सभी ऑप्शन को म्यूट कर देना है। जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा कलर एंड फिल वाला, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन रहेगा और आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो देख पा रहे गाइस, स्क्रीन पे जो हमारा इमेज है वो हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट मीडिया पे क्लिक करके थर्ड इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से गाइस, जो भी आपको लेयर मिलेगा ये सब लेयर में आपको एक एक करके फोटो को आपको ऐड करना है। सिर्फ जो डबल बिट रहेगा, मेरा मतलब जो डबल लेयर रहेगा, इसमें आपको सेम फोटो को ऐड करना है। तो आपको इसी प्रकार से आपको 31 सेकंड तक इमेज को ऐड कर लेना है। अब जैसा बिट के हिसाब से फोटो को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो राइट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है।